हेलो एवरीवन, आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखा कीजिए। आज का टॉपिक जॉब से रिलेटेड होगा, कैसे देश में जॉब्स का बुरा हाल है और कैसे यंग जनरेशन के लोगों का फ्यूचर अंधेरे में जा रहा है, उसके साथ किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए इस पर भी बात करूंगा, वो भी कई सारे फैक्ट के साथ। जब से कोरोना वायरस फैला है उसके बाद से लंबे टाइम तक लगे रेस्ट्रिक्शन के वजह से सब बंद हो गया और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव नौकरी पेशा वाले लोगों को हुआ। आप खुद सोचो, किसी का पूरा परिवार एक आदमी के काम पर चलता हो और वह आदमी 4 से 5 महीने तक घर में बैठ जाए तो उसका क्या हाल होगा सोच सोच के। यही हाल है आजकल लगभग सबका, खास करके मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली वालों का जिनकी आमदनी बहुत कम है। करोड़ों लोगों को अपने हाथों से जॉब गंवाना पड़ा है। इसमें बड़ी संख्या में वह लोग हैं जिनका उम्र 20 से 30 साल है। अब इनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि कैसे इन जॉब को फिर से हासिल किया जाए, वो भी उसी सैलरी पे। नए लोगों के लिए तो और ज्यादा मुश्किल हो गया है जॉब पाना इस वक्त, और जॉब के नाम पे दुनिया भर का ठगी चल रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE, जो एक मुंबई बेस्ड इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक थिंक टैंक है, उसका कहना है कि 1.8 करोड़ से ज्यादा मंथली सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को जॉब से हाथ धोना पड़ा है। इसमें से 50 लाख से ज्यादा तो सिर्फ जुलाई में ही जॉब गवा चुके हैं। ये लोग अच्छे सैलरी पाने वाले लोग में से एक हैं। अगर टोटल जॉब लॉस का अगर आप देखोगे तो वह तो 13 करोड़ से भी ऊपर जाने का अनुमान है। और यह अनुमान भी लगाया गया है कि आने वाले समय में यह आंकड़ा और बढ़ेगा। उसका कहना यह है कि कंपनी अपने पैसे को रिजर्व में रखना चाहती है ताकि बुरे समय में कंपनी को सपोर्ट मिल सके। इसके लिए कंपनी अपने एम्प्लॉई को ही इसका बलि का बकरा बनाने में लगा हुआ है। देश के बढ़ते यंग पॉपुलेशन के बीच बढ़ती बेरोजगारी देश का कंडीशन को और ज्यादा खराब कर सकता है, क्योंकि जॉब की कमी की वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग में कमी आएगा। इसका मतलब है, आप सोचो, आपके पास जॉब नहीं होगा तो क्या आप शॉपिंग, मूवी या कोई भी एक्स्ट्रा चीज खरीद सकते हैं? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। इन सब के वजह से गरीबी स्तर में और ज्यादा वृद्धि होगा। अभी भारत का एम्प्लॉयमेंट रेट 7.9% के करीब है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब है कि कितना प्रतिशत जो बेरोजगार है उस टोटल लेबर फोर्स में से जो काम करने में सक्षम है। वहीं अगर आप एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जॉइंट रिपोर्ट को मानो तो 60 लाख से ज्यादा इंडियन यूथ जो 15 से 24 साल के बीच के हैं, वो अपना जॉब गवा सकते हैं इस साल के अंत तक, अगर गवर्नमेंट कोई सही इकोनॉमिक स्टेप नहीं लेती है तो। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर यही कंडीशन रहा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 32% तक पहुंच सकता है। इसका सीधा असर देश के इकोनॉमी पे होगा और साथ में भारत के बढ़ते यंग पॉपुलेशन को पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगार होने का ठप्पा लग जाएगा। सबसे ज्यादा सेक्टर जो कोरोना वायरस से अफेक्ट हो रहा है वह है हॉस्पिटलिटी सेक्टर, उसके साथ एविएशन और टूरिज्म सेक्टर को भी भारी धक्का लगा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के पहले रिपोर्ट में बताया गया था कि 6 में से 1 यंग पीपल अपना जॉब गवा चुके हैं जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यंग पॉपुलेशन का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। देखो, अगर यही हाल रहा तो इसका सबसे ज्यादा खामियाजा यंग लोगों को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि पैसे की कमी की वजह से लोगों को कम पैसे में ही रोजगार करना पड़ेगा और जहां भी मिले लोग रोजगार के लिए जाएंगे। इससे खुद के ग्रोथ के साथ आने वाले जेनरेशन को भी भारी नुकसान होगा। कई सारे रिपोर्ट का यह कहना है कि भारत में कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा हर साल रोजगार क्रिएट करने का जरूरत है, तभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कंट्रोल किया जा सकता है। और भारत सरकार के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है इसके अलावा, ताकि वो इकोनॉमिक स्लोडाउन को रोक सके। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।